कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा सीए की आवश्यकता क्या थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रवाद का मापदंड सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना सोशल जस्टिस की है, समान अधिकार की है, हर धर्म और हर जात के लिए है। सीए की आवश्यकता क्या थी? केंद्र किसको नागरिकता दे, ये अधिकार है। ये कानून इसलिए लाए हैं कि इन्हें देश के अल्पसंख्यकों को डराना है। एनआरसी को असम में लागू कर गलती हुई, फिर देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और खुद झूठ बोलते हैं और इस बात को दावे से बोल रहा हूं कि देश का हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई राष्ट्रभक्त है। भाजपा के राष्ट्रवाद का मापदंड सही नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश का हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राष्ट्रभक्त है, लेकिन जो मापदंड आप लोगों ने तय किए हुए हैं, मेरा सीधा आरोप अमित शाह जी पर है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर है, कि आपका जो मापदंड है राष्ट्रभक्ति का और देशद्रोही का, वो दूषित है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी सरकार में इंटेलिजेंस फेलियर की जांच नहीं होती है। आज के समय एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देश के सभी धर्म के लोगों ने आजादी दिलाई, देश की अनेकता में एकता देश की पहचान है, जिसे मोदी शाह बिगाड़ रहे हैं। आज देश का अल्पसंख्यक डरा हुआ है, वो राजनीतिक दल और पुलिस से निराश है, वो अदालत की तरफ देख रहा है। आज देश के लोगों में इसको लेकर रोष है। सीए के खिलाफ आज पूरा आंदोलन महिलाओं और बच्चों के हाथ में चला गया है। मैं इसके खिलाफ प्रदेश में दौरा करूंगा, देश में सनातनी परंपरा को जिंदा रखा जाएगा। हम लोग प्रदेश में दौरा करेंगे और भी जो लोग जो बुनियादी तौर से सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं, हम लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और हिंदू मुसलमान एकता के लिए जी जान लगाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम चिंता नहीं करते, हो सकता हम पर हमला भी हो, हम फिक्र नहीं करते, लेकिन इस देश में सनातनी परंपराओं को कायम रखा जाएगा और सनातन परंपरा है गंगा जमनी संस्कृति संस्कार, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई सब एक भाई भाई, यही परंपरा से इस देश की अनेकता की एकता ही सबसे शक्ति है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।